अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक बार फिर आपका दोस्त डॉक्टर एमली आपका स्वागत करता है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन हेल्पर डॉक्टर एमली में। और दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स मुझे पिछली वीडियो पर मिले हैं, आज मैं उन्हीं में से एक मौजू है जो बहुत सारे साथियों ने मुझको लिखकर भेजा है कि हमारा वेट बहुत कम है, हमारा वजन कम है, हम उसको वजन को कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों, वजन बढ़ाने के लिए अब मैं जो आज आपको तरीका बताने जा रहा हूँ वो तरीका बहुत आसान तरीका है जिससे आपका वेट बढ़ेगा और इंशाल्लाह अजीज वापस कम नहीं होगा। तो उसके लिए आप पूरी वीडियो को गौर से देखिए, पूरी वीडियो को सुनते रहिए, देखते रहिए, थोड़ी भी स्किप मत कीजिए। इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे चैनल मेडिसिन हेल्पर डॉक्टर एमली को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि वेट गेन करने के बारे में हम क्या स्टेप अपने घर पर खुद वो स्टेप उठाए जिससे हमारा वेट गेन हो जाए। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो हमको ये देखना होता है कि हमारे पेट का निज़ाम कैसा है, हमारा डाइजेशन सिस्टम कैसा है। अगर हम जो खा रहे हैं हमको नेचुरली भूख लग रही है और जो हम खा रहे हैं वो हमारा हजम सही तरीके से हो रहा है, तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बगैर किसी मेडिसिन के अपना वेट गेन कर सकते हैं। और उस वेट गेन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी अपने डाइट प्लान को चेंज करना है। तो दोस्तों, उस डाइट प्लान में आपको चेंज क्या करना है कि सुबह का जो नाश्ता आप करते हैं उस नाश्ते में से जो भी आप लेते हैं उसको हटा दीजिए। आप अपने नाश्ते में एक गिलास दूध और कम से कम दो या तीन या चार केले इस्तेमाल कीजिए, बनाना। तो दोस्तों, ये सुबह का आपका नाश्ता होगा। इसके बाद आप थोड़ा चावल ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, जितना चावल आप लेंगे उतना आपको प्रोटीन्स और फैटी एसिड्स मिलेंगे, उसी से आपका वेट गेन होगा इंशाल्लाह अजीज। आपको किसी भी वेट गेनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आलू का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि अपने डाइट में प्रोटीन्स, अपनी डाइट में प्रोटीन्स ज़्यादा लाइए। जो प्रोटीन्स हमारी जिन चीज़ों में भी हैं वो प्रोटीन्स आप ज़्यादा लाइए। अगर आप प्रोटीन्स मार्केट से नहीं ले सकते डाइट में, तो प्रोटीन्स के पाउडर्स आते हैं मार्केट में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, प्रोटीनेक्स वगैरह आते हैं, बहुत सारी कंपनियों के आते हैं। आप किसी भी अच्छी कंपनी का प्रोटीन इस्तेमाल कीजिए तो इंशाल्लाह अजीज आपका वेट गेन होगा। और वो जो वेट गेन होगा वो बगैर किसी दवाई के होगा, तो इंशाल्लाह अजीज बाद में वो वापस नहीं होगा। आपने देखा होगा अक्सर बहुत सारे साथी हमारे दवाइयाँ खाते हैं या वेट गेन के लिए कोई चीज़ सप्लीमेंट या दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। जब तक वो करते रहते हैं तो उनका वेट बढ़ता रहता है, वजन बॉडी बनी रहती है, मसल्स में लगातार उनको इम्प्रूवमेंट दिखता है। लेकिन जैसे ही वो दवाई छोड़ते हैं या सप्लीमेंट को खाना छोड़ देते हैं तो उनको वापस फिर बदन वही चला जाता है। तो दोस्तों, ये स्टेरॉइड उसमें अक्सर उसमें स्टेरॉइड दवाइयाँ मिली होती हैं जिसकी वजह से हमको एकदम फायदा महसूस देता है। लेकिन जो दोस्तों मैंने तरीका बताया है आपको, इसमें आप अंडों का इस्तेमाल कीजिए, अंडे की सफ़ेदी में प्रोटीन्स भरपूर मात्रा में है। दूसरी चीज़, हमारा जो राजमा है, राजमे में एक ब्लैक कलर का राजमा आता है, एक वाइट राजमा आता है, इसको हम बीन्स बोलते हैं, किडनी सीड्स भी बोलते हैं, उसको इस्तेमाल कीजिए, जिसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में है। तो आप दोस्तों इन चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको बिल्कुल ये कहूँगा कि मार्केट से कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी वेट गेनर आप इस्तेमाल मत करें, क्योंकि उसमें 80% वेट गेनर में स्टेरॉइड मिला होता है और स्टेरॉइड हमारे बदन को फुला देता है। दूसरी चीज़ ये है कि स्टेरॉइड के बहुत सारे नुकसान हैं, हमारी किडनी डैमेज हो सकती है, हमारे लीवर पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि और उम्मीद करता हूँ और आपको भी ये राय देता हूँ कि आप अपना वेट गेन करने के लिए अपने होम प्रोडक्ट जो मैंने बताए हैं आपको, अपना डाइट प्लान चेंज कीजिए। अगर इससे जुड़ा कोई भी सवाल आपका हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं, मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और फिर भी अगर बहुत से साथी दवाई खाने के इच्छा रखते हैं कि हमारा वजन बढ़े और दवाई हम कुछ इस्तेमाल करें, तो उसके लिए दोस्तों मैं अपनी खुद दवाई बनाता हूँ जिसका फार्मूला मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। आप खुद बना सकते हैं, मैं फार्मूला बता दूंगा पूरा तरीके से, आप खुद बना सकते हैं।
या बनी बनाई मुझसे मंगा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो खत्म कर अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए और आपसे विदा लेते हुए और ये चाहते हुए कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।